अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जल्द अज जल्द PhD के लेक्चर्स अपलोड कर दूं। तो देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और इसके अलावा मुझे ये भी याद है कि मुझे PhD में उर्दू में सिलेबस डालना है। तो असल में देखिए, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया था। तो ऐसी ही डिटेल इकट्ठी करने के लिए फिर काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा इंतज़ार इंशाल्लाह नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी जल्द अज़ जल्द अपलोड कर दूँ। तो चैप्टर 9 आज हम शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि ये इसी साल ऐड हुआ है। आपकी जो नई बुक्स आई हैं PhD की, उसमें ये मौजूद है। तो अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम है तो आप काइंडली बुक शॉप पर जाइए और PhD की जो नया एडिशन है उसे परचेज़ कीजिए, क्योंकि उसमें 2 चैप्टर्स जो कि आपके नए इंक्लूड हुए हैं रिड्यूस सिलेबस में, चैप्टर 9 एंड 10 उसमें होंगे मौजूद। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज पहले चैप्टर 9 से, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा मसला होगा। वैसे तो सारे ऑर्डिनरी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से 8, तो उसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्द अज जल्द डिस्कस करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर 9 एंड 10, ये इन्होंने अलग कर दिए हैं, वरना बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, दोनों ही ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 9 में जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पहले पेज पर, तो वो आता है वॉट इज़ स्टेट। तो इसमें जो है डॉक्टर गार्नर नाम के शख्स का हवाला दे के बताया गया है कि स्टेट दरअसल है क्या। स्टेट देखिए, वैसे तो मैंने डॉक्टर गार्नर की इन शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अब आपकी बुक में क्या इसकी मीनिंग दी गई है कि स्टेट वो उसको कहा जाएगा कि जहाँ पर लोगों का एक गिरोह हो, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ही जगह पर मुस्तकिली तौर पर रह रहे हों। अब ये नहीं है कि जो है ना इतने लोग होंगे, एक नंबर होगा स्पेसिफिक कि फॉर एग्जांपल 4 लाख होंगे तो ही एक स्टेट बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक लोगों का गिरोह हो, उसमें कम लोग हों ज़्यादा लोग हों नो मैटर, लेकिन लोगों का गिरोह हो जो कि मुस्तकिली तौर पर एक जगह पर रह रहे हों, उस जगह पर एक हुकूमत कायम हो, और उस स्टेट की यानी उस जगह की ये भी खसूसियत हो कि वो लोगों के दबाव से बाहर हो, यानी वो ख़ुद मुख्तार हो, वो अपने फ़ैसले लेने में ख़ुद मुख्तार हो, वो किसी के मातहत काम ना कर रही हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्टेट कहेंगे, यानी कि आउट एक्सटर्नल कंट्रोल कोई ना हो उस पर, जैसे ऐसा ना हो कि लोग एक जगह पर रह रहे हैं लेकिन उन पर किसी और ने काबू कर रखा है, किसी और के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं वो, नहीं, ऐसा अगर हुआ तो वो स्टेट नहीं होगा। ये हम आगे चल के पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो एलिमेंट ऑफ स्टेट में यही बताया गया है कि देखिए, 4 आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनमें से अगर एक भी कोई मिसिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन नहीं है तो आपकी स्टेट नहीं होगी। अगर आपके पास एक टेरिटरी यानी कि एक जगह नहीं है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, तो स्टेट नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो स्टेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा अगर ख़ुद मुख्तारी नहीं है आपके पास, आप किसी के हुक्म पर चल रहे हैं, तो भी आप स्टेट नहीं कह सकते हैं अपनी जगह को, ठीक है। तो ये हो गई स्टेट की डेफिनेशन। इसके बाद एलिमेंट का मतलब पता है क्या होता है, कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ कि जिसके बगैर यानी अगर आप एक स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो स्टेट कि कुछ ऐसे अज्जा कि जिनके होने से ही स्टेट बने, और अगर वो मौजूद नहीं है उनमें से कोई एक भी, तो फिर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करे। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं कि जिनको जिनमें से अगर कोई एक भी मौजूद ना हो तो आपकी स्टेट नहीं मौजूद होगी, और वो स्टेट नहीं कहलाएगी दरअसल। जैसे कि जो पहले के 2 हैं, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, इनको कहते हैं कि ये फिज़िकल बेसिस ऑफ स्टेट है, यानी अगर स्टेट ने एग्जिस्ट करना है, अगर स्टेट ने तश्कील यानी अगर स्टेट को दुनिया में ऐसे रिकॉग्नाइज होना है, जैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहती है कि मैं कि हम जो है एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाए, हमें लोग जो है ना एक
स्टेट के तौर पे जाने, जैसे हमारी स्टेट पाकिस्तान, हमें इस तरह से जाना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लोगों का गिरोह हो, हमारे पास एक डेफिनेट पीस ऑफ लैंड हो, यानी हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा हो। फिर अब ये दोनों चीज़ें मौजूद है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी है और इसके बाद हमारे पास लोगों का गिरोह भी है, इसके बाद स्टेट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अब स्टेट को चलाने के लिए, इसकी कंटिन्यूटी के लिए दो फैक्टर ज़रूरी हैं, एक गवर्नमेंट और एक सोवरेनिटी, यानी कि खुद मुख्तारी। तो अब इसे पता है क्या कहा जाएगा, इसे पॉलिटिकल बेसिस कहा जाएगा, यानी ये जो दो हैं पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, दीज आर द फिज़िकल बेसिस ऑफ स्टेट, और ये जो गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी है ये आपकी पॉलिटिकल बेसिस ऑफ स्टेट कहलाएंगी, कि इन जो पहले के दो हैं उनके बगैर स्टेट बन नहीं सकती, और जो आखिर के दो हैं उनके बगैर स्टेट चल नहीं सकती। ठीक है, अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ मैं। फिर आ जाते हैं ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट पर। मेरी कोशिश थी कि मैं इसी वीडियो में लेक्चर पूरा कर देती, अपना पूरा आपको चैप्टर समझा देती, लेकिन फिर जाहिर सी बात है इतने लेंदी चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो खैर चले, ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, आप कुछ आपके जो बुक में है वो तो काफ़ी जो है ना लेंदी लिखा हुआ है, बुलेट फॉर्म में काफ़ी लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसके कुछ जो है पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ पे लिखे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, जब एक स्टेट तश्कील दी गई, वजूद में आई, तो फिर अब जो है जैसे कि हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ज़रूरी है स्टेट को चलाने के लिए, तो अब दरअसल ये जो ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट है, ये ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वो जो गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट स्टेट में मौजूद है, और वो जो यानी कि अपना हुक्म चला रही है, जिसके हुक्म के मातहत पूरा वो जो पॉपुलेशन है वो चल रही है, तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो जो है जो गवर्नमेंट हम लोगों की ही बनाई हुई है वो अपनी मर्ज़ी से चले, वो अपनी बिल्कुल आज़ाद हो, ऐसा नहीं है। उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उसको फुलफ़िल करनी लाजमी है, वरना जो हमारी स्टेट है उसे ख़तरा होगा। यानी अगर स्टेट, यानी अगर गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली कोई बाहर को लोग आएंगे, अटैक करेंगे और वो कब्ज़ा कर लेंगे। तो चलिए, पहली तो ड्यूटी है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सबसे पहली तो ड्यूटी ये है कि जो चार एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हमने पढ़े, कि यानी एक पीस ऑफ लैंड होना, पॉपुलेशन का होना, गवर्नमेंट का होना, खुद मुख्तारी का होना, तो इन तमाम एलिमेंट्स का दिफा किया जाए, यानी लोगों का दिफा किया जाए, जो हमारे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है उसका दिफा किया जाए, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसका दिफा किया जाए, और दूसरी बात कि जो खुद मुख्तारी हमारे पास मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी वजह से वो खो दें, तो इसका दिफा करना भी लाजमी है। तो अब आप अपनी आम ज़िंदगी में देखें, जब हम पाकिस्तान एक स्टेट है, एक पॉपुलेशन थी, यानी लोगों का एक गिरोह था जो कि चाहता था अलग मुल्क, सही है, और तो फिर जो है हमें एक पूरी जो आपने पढ़ा है पीएसटी में प्रीवियस चैप्टर्स में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको पढ़ाऊँगी, तो पूरी जो एक चली थी फ्रीडम मूवमेंट, तो उसमें क्या था कि हमें एक पीस ऑफ लैंड मिल जाए, हम लोगों का गिरोह तो पहले से ही मौजूद है, तो एक पीस ऑफ लैंड मिल गया, लोगों का गिरोह पहले से मौजूद था, फिर एक हुकूमत तश्कील दी गई, और फिर हमारे पास खुद मुख्तारी आ गई। ठीक है, अब इन चीज़ों का दिफा करने के लिए, इन सब का दिफा करने के लिए हमारे पास हमारी हुकूमत कुछ स्टेप्स लेती है कि जिससे जो है हम बचे रहें, हमारी स्टेट हिफाजत में रहे, इसके अलावा हमारे फ़ौजी मौजूद हैं जिनका काम ही सिक्योरिटी देने का है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम ले सकते हैं ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट में, जो फर्स्ट ड्यूटी है स्टेट की कि वो एलिमेंट्स का इनकी हिफाजत करें, यानी जो जिनके बगैर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है उनकी हिफाजत करें।
इसके बाद दूसरे पे आते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है, यानी गवर्नमेंट की, जो उस वक्त की गवर्नमेंट हो, जैसे कि अभी पीटीआई गवर्नमेंट है, तो इनकी ये हिफाजत है, सॉरी इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करें। जैसे कि अब जब पाकिस्तान नया नया वजूद में आया था, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, तो ये पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल क्या होता है, आइन होता है कि हमारी जो एक पर्टिकुलर स्टेट है जैसे कि पाकिस्तान, तो उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होने हैं और वे फॉलो करवाने भी हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे पर आ जाते हैं प्रमोशन ऑफ पेट्रियाटिज़म, मुहिब्बुल वतनी पेट्रियाटिज़म कहलाती है, यानी मुल्क से मोहब्बत भी ज़रूरी है। जब आपको मुल्क से मोहब्बत होगी, आप मुल्क के लिए काम करोगे, मुल्क को तरक्की मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। पता है मैं क्यों इसको ज़रूरी समझती हूँ? देखिए, आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम बाहर के लोगों से ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, तो हम उनका कल्चर अडॉप्ट करने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमारा एक कल्चर है, तो हमें जो है उसको, यानी हमारी जो अपनी एक तहजीब तमद्दुन है, हमें उसे बरकरार रखना चाहिए, ना कि दूसरों के तहजीब तमद्दुन को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि जो कल्चर है उसकी हिफाजत की जाए, ना कि हमारा कल्चर खो जाए। क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आई थिंक, कि जब हम किसी बाहर के लोगों से मुतासिर हो जाते हैं, यानी वेस्टर्न लोगों से अगर हम मुतासिर हो रहे हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट करें, तो हम दरअसल उनका कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं। अपनी, और कल्चर का मतलब सिर्फ ये तहजीब और तमद्दुन ही नहीं, बल्कि आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। वो हमारा कल्चर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, तो हम पहचाने जाएंगे। इसके बाद आती है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, जो मुल्क में रहने वाले शहरी हैं उनकी हिफाजत भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ड्यूटी ऑफ स्टेट है। इसके बाद एलिविएट पोवर्टी, एलिविएट पोवर्टी से मुराद ये है कि जो हमारी स्टेट में गुर्बत फैल रही है उसे काबू में किया जाए। जो अमीर और गरीब के दरमियान एक वाज़ा फ़र्क पैदा हो रहा है, तो उस फ़र्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उसे कम ज़रूर किया जाए। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। वहाँ पर लोगों को अपनी हेल्थ के हवाले से ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, ना अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से परेशान होना पड़ता है। क्योंकि लफ्ज़ एजुकेशन जो है उसका मतलब ही क्या है? उसका मतलब आप तालीम न लें, उसका मतलब आप इल्म लें। आपके पास जब इल्म आएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जब आप किसी के सामने बात करेंगे ना, तो आपके अंदर से जाहिलियत नहीं नज़र आएगी, आपके बोलने का एक अलग अंदाज़ होगा, आपके अपने ख्यालात का इजहार करने का अलग अंदाज़ होगा, और आपको जो ख्यालात आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है, जब आपने एक पढ़ा लिखा इंसान जब सोचेगा और एक जाहिल इंसान जब सोचेगा, तो उन दोनों की सोच में ज़रा फ़र्क होगा, तो इससे भी मुल्क को ही फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये चंद ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट जो कि मैंने इकट्ठी की थी बुलेट फॉर्म में, आपके पास लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, तो उनको इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि आर्टिकल्स के हवाले से हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट्स समझा दूँ कि क्या है। ये फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक को कहते हैं, और आपको पता है कि जब कोई इमारत बननी हो, तो उसके लिए बुनियाद का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसकी बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हुकूक, जो कि दिए बगैर काम चल ही नहीं सकता है,
तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है उसकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको दी कि बुनियादी हुकूक के जिनके बगैर हमारी स्टेट का तरक्की करना, हमारी स्टेट की डेवलपमेंट मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 9 to 26 जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, वो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं और वो मैं वन बाय वन समझाती जाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 9 है, वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। तो जो मैंने ड्यूटीज ऑफ स्टेट में सिक्योरिटी ऑफ सिटीज़न डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल वही है कि जो आपका शहरी है वो अपनी ज़िंदगी में कभी जो है अपने हक तलफी ना हो उसकी, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए आर्टिकल नंबर 9 के मुताबिक। इसके बाद आर्टिकल नंबर 10 आता है, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है कि जो कोई भी बंदा हो जिसे किसी जुर्म पर गिरफ्तार किया गया हो, तो उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना होगा। इसके अलावा उस जो मुजरिम है जिस पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो इसे यह हक हासिल है कि ये अपना कोई वकील हायर कर सके जो कि इसके लिए लड़े। इस अगर इसने ये जुर्म नहीं किया है तो साबित करे कि नहीं, ये मुजरिम नहीं है ये शख्स। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 आता है। 11 क्या कहता है, स्लेवरी फोर्स्ड लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ये है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी हमारे मुल्क में इन्फोर्स्ड है, तो इसके आर्टिकल नंबर 11 के मुताबिक किसी शख्स को जो है ज़बरदस्ती का अपना ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता है। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आपका काम करना पसंद करता है कि नहीं, आप उसे ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम नहीं बना सकते हो। आर्टिकल नंबर 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका वैसे तो आपके पास बहुत ही मुख्तसर लिखा हुआ है बस 2 लाइंस में, लेकिन जब आप गूगल पे से सर्च करेंगे ना तो आपके पास डिटेल आएगी। तो उसमें कहा गया है कि कानून के दायरे में रहते हुए ही सज़ा देनी है, और जैसे रेट्रोस्पेक्टिव है ना, इसका मतलब होता है कि समथिंग डन इन पास्ट। अगर मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो किसी बंदे को उसके मतलब इस बुनियाद पे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती कि उसने माजी में कोई ऐसा अमल किया है जो कानून के दायरे में सज़ा का हकदार नहीं था, उसने ऐसा अमल किया, तो उसको बाद में भी इस बात पर सज़ा ना दी जाए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 13 आता है। आर्टिकल नंबर 13 कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रीमेशन। यानी कि अगर एक शख्स को एक जुर्म करने पर एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उसी जुर्म पर दोबारा से उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी एक जुर्म की सज़ा उसने भुगत ली है और फिर उसी का लेबल लगाकर दोबारा से उसको सज़ा देना, ये कानून के दायरे में नहीं है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 14 आता है, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। यानी डिग्निटी का मतलब क्या है, ताज़ीम। तो यानी शहरी के जो इज्जत है उसमें कमी नहीं आने देंगे, उसकी वायलेशन नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये क्या कहता है कि शहरियों को यह हक हासिल है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें पाकिस्तान के जिस जगह चाहें वो जाके रह सकते हैं। यानी उन पर ये पाबंदी नहीं है कि अगर कोई सिंध का था तो वो सिंध तक ही महदूद रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर चाहे तो वो पंजाब भी जा सकता है, वो बलूचिस्तान भी जा सकता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल नंबर 16 में मुझे जो मतलब समझ आया, मैं आपको उस तरह से बताऊंगी। देखिए, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आर्टिकल नंबर 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली से मुराद ये है कि शहरी आज़ाद हैं कि अगर उन्हें गवर्नमेंट के साथ कोई इशू है, वो गवर्नमेंट को किसी तरह मुतवज्जा करना चाह रहे हैं, किसी मसले की तरफ रोशनी दिलाना चाह रहे हैं, तो वो आज़ाद हैं कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो है अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने इस तरह से रख सकते हैं।
इसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये शहरियों की आज़ादी है कि वो चाहें तो एसोसिएशंस बनाएं, यूनियन बनाएं, यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं तो इसकी आज़ादी है कि अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आर्टिकल नंबर 17 पर रोकती हूँ। मैं इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। मैंने सोच तो रखा था कि मैं आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स समझा दूँ, लेकिन ये थोड़ा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे वीडियो रोकती हूँ। और फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्द अज़ जल्द मैं आपकी PST की वीडियोज़ और PST उर्दू सिलेबस अपलोड कर दूँ, ताकि फिर आपको पेपर में परेशानी ना हो। तो अगर आपने अभी तक जो है बुक नहीं खरीदी तो काइंडली खरीद लीजिए, क्योंकि पेपर्स में बहुत कम टाइम है। और आपको अब ये वैसे कहा गया है कि कंडेंस सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस है, लेकिन इसमें एडिशन हुआ हुआ है दो चैप्टर्स का, तो इस पर ख़ास तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।